यार ये हमें हमेशा फास्ट एंड फ्यूरियस के अंदर दिखती है या फिर अमेरिकन मूवीज के अंदर दिखती है, और इसको क्या बोलते हैं? मसल। ओए होए। और इसको लेके पता है कौन आए? वो है ये, वेलकम टू आवर वीडियो। हाय सर, हाय। वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस, इतनी डैशिंग कार लाने के लिए। थैंक यू थैंक यू। यार क्या कलर है इसका? ये कौन सा मॉडल है वैसे? दिस 2023 Dodge Challenger Scat Pack 5.7 Hemi V8। Hemi V8। अब Hemi जो ये इंजन आ रहा है ये GMC आता है ना? GMC है ना, ये GM इंजन है। इसके अंदर Hemi इंजन 5.7 यानी कि 5700 cc का ये इंजन है। V8 जी, 8 सिलेंडर इसके अंदर चलते हैं। ये आपने करवाया है? ये चेंज करवाया मैंने, इसका हुड चेंज करवाया। ये एक्चुअली हेलकेट का है, और ये हमने इसमें करवाया। इसमें फ्लैट था। हाँ। अच्छा, क्या कहते हो वो विंड डीजल वाला वैसा वाला फील लेने के लिए करवाया है। नहीं, अभी सोचा नहीं कुछ। सुपर चार्जर इसका ही हुड काट के ऊपर की तरफ निकल जाए। बेसिकली कंप्रेसर ही होता है वो भी, जैसे टर्बो काम करता है, बट वो इंजन की बेंच से काम करता है। फिर इंडिया में थोड़े नॉर्म्स और चेंज हो जाएंगे और दिक्कत होगी चलाने में। हाँ, बट वो कभी कभार निकलेगी। वहाँ हो सकता है, दुबई में वीकेंड हुए। तो ये रही इसकी लाइट्स। हाँ यार, ये जो इसकी डेविल आइज ये रात को बहुत ही प्यारी लगती है। दिन में भी प्यारी लगती है मुझे, तो में भी रात में भी जी। अच्छा, एक बात बताइए, इतना सिंपलेस्ट डिजाइन था ये, देखा जाए तो कार में कोई डिजाइन ज्यादा कुछ आगे से नहीं कर रखा, लेकिन इसको एक भारी भरकम सा लुक दे रखा है, मसल लुक। एक्चुअली ये मसल कार है, और फिर मेंस चॉइस तो आपने बता ही दिया। अच्छा, ये हॉर्स पावर कितना क्लॉक करा हुआ अभी? समवेयर अराउंड 600, क्योंकि गाड़ी ट्यून भी है, वो बाद में आएंगे अपन। चलो ओपन कर दो यार, यही तो है पीस ऑफ केक। वाओ, ओके, V8 5.7 लीटर। इसमें एयर इनटेक भी चेंज कर रखा है मैंने। अच्छा, ये एयर इनटेक चेंज है। वेरी गुड। और स्टेज 2 के अंदर क्या-क्या किया हुआ है इसमें? स्टेज 2 है, ट्यून्ड है, प्रॉपर पॉप एंड बैंग्स हैं इसमें, और ईसीएम के साथ पावर बढ़ी खेले में है। ईसीएम के साथ खेला हूं। ये आ गया एयर इनटेक आ गया है। बहुत कुछ है वो एक्चुअली। अच्छा, वैसे अगर एक इंजन का हम एयर इनटेक और हल्की सी ट्यूनिंग और उसका एग्जॉस्ट चेंज कर दे तो वैसी पावर बढ़ जाती है। ये जो आपने जो हुड चेंज किया हुआ है इसके अंदर प्रॉपर इनटेक है यहां जी? ये प्रॉपर इनटेक है। प्रॉपर मतलब इंजन कूल हो जाएगा, ठंडा होने के लिए। इंडिया में क्या प्रॉब्लम पता है क्या? धूल मिट्टी सारी इंजन के अंदर जाएगी, जा रही है। मैं थोड़ा परेशान हो रहा हूँ, ये लाइक हर हफ्ते साफ करवाना पड़ता है इंजन भी मुझे। बट हमारे जैसे जो 90s वाले जो किड्स हैं, हाँ जी, वो क्या है जो फास्ट एंड फ्यूरियस जो स्टार्टिंग से अंदर आई, वो हम मैंने भी वहीं देखी थी। है ना, मैं भी वहां से ही फैन हुआ था इस गाड़ी का। एक्चुअली विंड डीजल वाज द वन जिसने चलाई थी। हाँ। और उसमें भी ना वो लोग जब हुड खोलते हैं तो अंदर से भी सजा हुआ होता है, अंदर से भी सजा हुआ है। जापान में चीजें बड़ी इजिली अवेलेबल भी है ना, दिक्कत ये है इंडिया में चीजें इजिली अवेलेबल भी नहीं है। On the Velvetronic. Oh, भाई साहब, ये भाई मौका मैं छोड़ नहीं सकता है डॉज चैलेंजर SRT के अंदर बैठने का। जैसे आपने ड्रैग रेसिस में देखा होगा वो थ्रॉटल देके रहते हैं, टायर बर्न आउट होते रहते हैं, एंड देन दे लीव। दिस इज फॉर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर दिया भाई साहब, कुछ बढ़िया सा होने वाला है। वेरी गुड। ओए होए। अच्छा, इसमें टॉर्क ज्यादा है ना, तो इस वजह से जो व्हील स्पिन है वो बहुत ज्यादा मिल रहा है यार अंदर बैठ के, मतलब मजा सा आ रहा है रोल उस टाइम। ओए होए, वाओ, 360 मसल। इतनी भारी भरकम कार होने के बाद कितनी पैपी है ये, देखो
इजी टू ड्राइव है, सिटी में भी चल जाती है और ट्रैक पे तो चलती ही चलती है। और अभी अभी तक हमने ये शीशे बंद कर रखे हैं और जो हमारा साउंड है वो अच्छा खासा आ रहा है। बिल्कुल। अब ये एक बार ही कर लेते हैं ओपन। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, अब देखते हैं। देखो ऐसे लोग भीड़ लगा लगा के आपको अब ये आदत हो गई होगी। आदत है ये। यार क्या साउंड निकाल रही है, वाओ अमेजिंग भाई, मजा आ गया। अच्छा पता है क्या हो रहा है, हम जैसे लोगों को ज्यादा मजा आता है इन ऐसी चीजों में। नॉर्मल इंसान देखे वो कहेगा अरे भैया तू अपने 2.5-3 लाख रुपए का टायर खत्म कर रहा है, खत्म कर रहा है, बट हम जैसे लोग इसको एंजॉय करते हैं, इसको एंजॉय करते हैं भाई साहब। ये वाओ 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 वाओ, चलो यार दिमाग घुमाने वाली चीज थी ये तो भाई, क्या कर दिया इन्होंने पता है। ये ना वही लोग कर सकते हैं जो पैर से लेके सर तक डूबे हुए हों इन सब चीजों में, क्योंकि ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है ना जी। एक्चुअली एक तो पहली बात इनके पास कार बहुत खूबसूरत है, दूसरी इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही सुंदर है, जिसको कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और डाउन टू अर्थ इंसान। बट इसमें ना एक कैच है यार, पता है क्या, लोगों के पास पैसा भी है जी, लेना चाहते हैं, ये कार इंडिया में नहीं मिलती। यही तो सबसे बड़ी बात है, जो ये लिया है ना वो टॉप ऑफ द लाइन चला गया, लाइन चला गया। क्योंकि आप पैसा दे के भी यहाँ पे खरीद नहीं सकते हो, कुछ नया ले आए हो आप मार्केट, कुछ नया ले आए हो, तो पैसा होने के बाद में भी आप ये खरीद नहीं सकते हो यहाँ पे। बिल्कुल डॉज ब्रांड का, बिल्कुल ये वाला, मतलब कुछ भी नहीं खरीद सकते। तो क्या है कि ये जो नंबर प्लेट देख रहे हो ये दुबई की है और ये लेके आए दुबई से, आप इसको शॉर्ट के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हो लाइक व्हाट, कैसे लानी है? हाँ मेरे पास वहाँ पे कार है, ठीक है, मैं इंडिया में कैसे लेके आऊँ? देखो सबसे पहले अगर आपके पास वहाँ गाड़ी है और आप लाना चाहते हो तो एक सर्विस है कॉल्ड कारनेट, उससे आप ला सकते हो, बट वो परमानेंट नहीं आएगी, 6 महीने के लिए आएगी। परमानेंट लानी है तो उसके लिए थोड़ा बहुत लंबा प्रोसीजर है, गाड़ी आपने लेफ्ट से राइट करवानी है, फिर कस्टम ड्यूटीज, इसमें भी ऑलमोस्ट खर्चा उतना ही आ जाता है, बट ये है कि आपको वो सब क्या बोलते हैं अपन, पंगों में नहीं पड़ना है। पंगा ये है बड़ा वाला कि भाई यहाँ पे कौन सा इतने बड़े कारीगर हैं जो वो वाला स्टीयरिंग इधर ला देंगे विद फिनिशिंग। बिल्कुल, क्योंकि उसके लिए आपको डैशबोर्ड पूरा कंपनी से मंगाना पड़ेगा, जो कि राइट हैंड साइड ड्राइव वाला है। तो वो कुछ वर्थ नहीं लगा मुझे, तो मैंने बोला ऐसे ले चलते हैं। अच्छा ये 6 महीने का क्या सीन है कि 6 महीने के बाद मैं परमानेंट रखूंगा इसको, परमानेंट रखूंगा। इसके लिए क्या क्या एफर्ट है परमानेंट रखने के? एफर्ट्स बहुत ज्यादा है, जैसे खर्चा है आफ्टर एवरी 6 मंथ्स कितना, यू हैव टू पे सम अराउंड 12-13 लाख रुपए। तो ये 12-13 लाख रुपए कार की कॉस्ट के हिसाब से या फिर 12-13 लाख फिक्स है? नहीं नहीं 12-13 लाख रुपए फिक्स है, ऊपर भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द एयरलाइंस। 15 लाख रुपए मान लो एयरलाइंस। हाँ जी जी। तो ये क्रूज से आती है, प्लेन से आती है? क्रूज से भी आ सकती है, प्लेन से भी आ सकती है। ये किससे आई है? ये आई तो अभी क्रूज से ही, अभी जाएगी प्लेन से। अच्छा तो क्रूज से लाना सस्ता है, 2 लाख रुपए का फर्क है। 2 लाख रुपए का फर्क है, तो 2 लाख रुपए फिर भी बचा लो यार, पेट्रोल डला लेंगे ना। ये यहाँ पे मेंटेन इंडिया के अंदर मेंटेन कैसे करोगे? एनी प्लान? आई हैव फ्रेंड्स। ओके जी। तो वो उसका जो कुछ भी अगर पार्ट होगा, जैसे क्लच इसका, क्योंकि ये डीसीटी के साथ जी, में ना, जी, जी। तो डुअल क्लच ट्रांसमिशन है इसके साथ में, तो क्या है कि वो बहुत ही अच्छी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है, बट जब ये कार आई थी उस वक्त डॉज के पास में वही टेक्नोलॉजी थी, अब है टॉर्क कन्वर्टर, बिल्कुल लेटेस्ट वाला। बिल्कुल। तो इसका सारा सामान फिर इम्पोर्ट ही होगा? हाँ हो जाएगा, मैं खुद ही जाता रहता हूँ, आफ्टर एवरी 15-20 डेज जाता रहता हूँ। कुछ भी एक अपने लगेज में उठा कर ले आओ, क्लच प्लेट हुई ले आता हूँ। मैं अपनी दूसरी गाड़ी का कार्बन फाइबर स्टेयरिंग लाया था। अच्छा तो ले आता हूँ मैं। ये जो इसके डुअल टिप लग रहे हैं जी, ये पहले कंपनी से तो ऐसे ऐसे ही थे, ऐसे बस थे। आपने इसके बीच के अंदर वेल्वोट्रॉनिक फिट करा लिया। इसमें मैंने फुल सिस्टम टाइटेनियम लगवाया है, विच इज सम अराउंड INR 7.5 लाख। 7.5 लाख का हो गया, 7.5 लाख रुपए का जो exhaust. फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है। शौक यहाँ पे भी क्रिएट होते हैं भाई साहब। चलो ठीक है, ये जो इसकी बैग है, लाइट बहुत अच्छी है, रात वाला सीन आप देख ही चुके हो यार। ये इंडिया के अंदर कितनी कॉस्ट कर रही होगी? इंडिया के मतलब अभी तक मुझे अगर मैं सारे ओवरऑल खर्चा देखूं, सम अराउंड 2-2.5 के करीब पड़ गई है। 2.5 ढाई करोड़ के आसपास? बिल्कुल, बिकॉज आपको डिपॉजिट करने हैं, कुछ अकाउंट में भी पैसे रखने हैं, फिर कैश डिपॉजिट करने हैं, कैश भी करना है। हाँ एक तो अकाउंट में वाला डिपॉजिट है अलग, जो आपको चेक देना है, और कैश डिपॉजिट है अलग, दो डिपॉजिट होते हैं। फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि इट्स वेरी इजी टू गेट दीज कारनेट कार्स, बट एक्चुअली में नहीं है, बिकॉज सबसे पहली जो बड़ी इन्वेस्टमेंट वो ये है कि आपके पास वहाँ की रेजिडेंस होनी चाहिए। तो आपके पास है? हाँ मैं काफ़ी टाइम से। अच्छा, एक मैं वहाँ बता रहा था इनका, यार कोई भी दुबई जा रहा है ना अगर,
तो इनका मेरा रेंटल कार्स का बिजनेस है, और इनका ब्रांड नेम क्या है? पवी कार रेंटल्स। तो ये जो आपका बिजनेस है जो आप दुबई के अंदर कर रहे हो कार रेंटल बिजनेस, अगर किसी को कांटेक्ट करना है दुबई पे अभी, वहाँ वहाँ पे लोग होंगे ऑलरेडी ना? हाँ, है ना, वहाँ पे लोग मेरे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं आप। एक छोटा सा यूट्यूब चैनल भी है द बिग डील के नाम से, और इंस्टाग्राम तो है ही शॉन सैली SHONSAILI। बाकी लिंक भैया को रिक्वेस्ट करेंगे कि डाल दें अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और भाई प्लीज डाल दीजिए, जरूर फॉलो करें क्योंकि इनका कंटेंट ना नेक्स्ट लेवल होने वाला भाई। इसकी कॉस्ट अभी 2.5 करोड़ से जी, ऑलमोस्ट देखा जाए तो इंडियन करेंसी में 2.5 करोड़ की कार को ये करने का जिगरा ऐसे लोगों में होता है क्या पता क्या होता है, लेकिन ये कार हैवी मसल रियर व्हील ड्राइव कार है। तो क्या चाहते हो आपकी, आप एज एन इंडियन आप जो हो तो ये डॉज जैसी कंपनीज आनी चाहिए ना, क्योंकि आनी चाहिए, बट अब तो ईवीज आएंगी तो ईवीज का मुझे तो कुछ समझ आया नहीं ईवी अभी तक, हम जैसे लोगों को नहीं समझ आ सकता। जरा देखना इसका, इसकी शक्ल देखना जरा, ये बेचारी अगर इलेक्ट्रिक हो जाए तो क्या ही होगा इसके साथ में। हो चुका है इसके साथ, इसका ईवी का वर्जन आ चुका है बहुत ही। उसकी तो मस्टैंग का भी तो एक गंदा से लिया है ना, वो एसयूवी टाइप्स, वो मिनिएचर एसयूवी, उसके अंदर लोग पता क्या कर रहे हैं, स्पीकर सिस्टम लगवा रहे हैं एग्जॉस्ट साउंड के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्या फायदा, थोड़ा सा पेट्रोल ही चला लो जब तक चला सकते हैं, और वैसे भी इन गाड़ियों को तो कभी भी माइलेज के लिए तो चलाया नहीं जाता। बिल्कुल, ये माइलेज तो क्लबिंग के लिए होती है। आपके पास कितनी गाड़ियां और कौन कौन सी यहाँ इंडिया में? आई हैव 7 कार्स। कौन कौन सी? आई हैव ऑडी टीटी, वरना जिप्सी ऑफ रोडिंग के लिए रखी हुई है, दो बीमर्स भी हैं, कहीं नहीं छोड़ा है। और वहाँ यूएई में? वहाँ तो 75 कार्स, बिकॉज अगेन बिजनेस भी है और हम कार गाय तो रख ली। अच्छा कितना टाइम हुआ है ये बिजनेस को करे हुए? काफ़ी टाइम हो गया मुझे, इट्स समवेयर मोर देन 5 इयर्स। 5 इयर्स हो गए, 5 इयर्स के अंदर अच्छी ग्रोथ होगी क्योंकि वहाँ पे इस चीज़ की जो है मांग है एक्चुअली। हाँ, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ टूरिस्ट रहेगा 12 महीने रहता है, 12 महीने 12 महीने। बट रमजानों में बच के जाना रमजानों में क्लबिंग वाले तो ना ही जाएं, ज्यादा बेटर है क्लब सारे बंद होते हैं। ये कार बहुत अच्छी है, जितना खर्चा आया इनका 15 लाख रुपए का, ये कारनेट का प्रोसेस है। जी जी जी। इन्होंने इसके अंदर स्टेज 2 ट्यून करा रखा है, दोबारा से बता दूं। और मेरा जो दिल है कि इनका कहीं ना कहीं से जुगाड़ पानी करा के ना यहाँ पे एक सुपर चार्जर का कटआउट अगर हो जाए, चाहे वो कैसा भी हो, कोशिश करूंगा। अब आपने बोल दिया, चाहे वो कैसा, चाहे उसकी हाइट ज्यादा बड़ी ना हो, इतना वाला ही हो जाए ना सुपर चार्जर जो यहाँ से निकल रहा हो जी जी, और उसमें वो बेल्ट घूमती हुई दिख जाए। हाँ, वो डमी लगवा सकते हैं अपन, इसमें भी लग जाएगा अभी। पता है अभी तो लोग इसकी फोटो लेते हैं, आपको परेशान करते हैं, तब पता है लोग क्या करेंगे, लेट जाएंगे इसका कहेंगे भाई यही है विन डीजल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट, बहुत अच्छा लगा ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी से मिलके। क्या होता है, हम भी थोड़ा इम्प्रूव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यार हर किसी का अपना एक लेवल होता है ना, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ किस तरीके से वो मैनेज करता है चीजें। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये गोल्डन कॉइन की तरह है, जब तक पड़े रहे कहीं पे साइड में तो एक सोने का सिक्का है, लेकिन जब बाहर निकालोगे तो वैल्यू पता चलती है। ऐसे रहना चाहिए सर, ऐसे रहना चाहिए। क्योंकि मैं कल ही कहीं देख रहा था तो कह रहा था ये गाड़ी है, ये बाइक है, ये मेरा घर है, लेकिन घमंड किसका करूँ, जाना तो सबने एक दिन है, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, सबने जाना है एक्चुअली में, तो ना ही रह जाए घमंड। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। शूट कर लेना। सर पता नहीं है मुझे तो, मैं तो पता नहीं यार, प्लीज भैया बंद कर, बंद है खाली जगह पर करवा दो यार भैया कुछ, जाओ तुम जाओ, मैं भी जाऊँ। अच्छा नहीं नहीं मुझे तो जो बोलेंगे, मुझे पता नहीं है ना भैया, मैं इंडिया से नहीं हूँ, मुझे तो पता नहीं है ना। हाँ जी, मुझे पता नहीं है यहाँ के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है। साहब हम तो इंडिया से ही हैं। क्या चीज ये तो माइक है, ये दुबई से है, ये माइक है ये माइक है, माइक होता है सर, मैं मुझे तो पता नहीं है ना, मैं यहाँ से हूँ नहीं, ये यूएई से, उसके लिए सॉरी सर, नहीं मैंने तो अभी बंद कर दिया, उसके लिए सॉरी सर, जो भाई है ना उसके लिए सॉरी, डन डन डन, मैं आता ही नहीं, थैंक यू। चलो कंटिन्यू करें नहीं ड्रिफ्ट नहीं मारेंगे।